नमस्ते सदावस्थल मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है चाइना के G20 और अमेरिका के F-35 लाइटिंग सेकंड के बारे में। दरअसल अक्सर ये कहा जाता है कि चाइना ने पूरी तरीके से कॉपी किया है ये डिज़ाइन अमेरिका के F-35 लाइटनिंग का, और दोनों ही फाइटर जेट्स को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समानताएँ इनमें दिखती हैं। अमेरिका का F-35 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की पहचान बन चुका है, जबकि चाइना का J-20 को अभी कोई पहचान नहीं मिली है और इसे पहचान मिलना बाकी है। इसी को देखते हुए अमेरिका की तरफ से एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जब J-20 डिज़ाइन किया गया तो उस समय चाइनीज़ के दिमाग में केवल F-35 का ही डिज़ाइन रहा होगा। इससे पहले 2019 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन चीन पर आरोप लगा चुका है कि वो अपने रक्षा हित पूरे करने के लिए साइबर चोरी का सहारा लेता है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है कि चाइना ने कई साइबर अटैक अमेरिका पर किए हैं और अमेरिका के कई खुफिया डेटा उसने चुराया है, जिसके बेसिस पर उसने ये डिज़ाइन तैयार किया है अपने G20 का। ऐसा करके चाइना दूसरे देश खास करके अमेरिका के रक्षा उपकरणों से संबंधित जानकारियों की चोरी करता है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में लॉकेट मार्टिन ने पाया था कि चीनी हैकरों ने F-35 के प्रोग्राम से संबंधित तकनीकी दस्तावेजों की चोरी की। ऐसा उन्होंने F-35 के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के नेटवर्क में जाकर किया, यानी कि डायरेक्टली अमेरिका में सेंधमारी तो नहीं कर पाया लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ करता है F-35 का, उसके नेटवर्क में जाकर उसने ये सेंधमारी की। इसके बाद इसी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके J-20 का विकास किया गया। इस चीनी विमान का निर्माण तब शुरू हुआ जब अमेरिका का F-22 रैप्टर बनकर तैयार हो गया था। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 और J-20 विमानों की समानताएं पांचवी पीढ़ी के किन्हीं दो लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए पहले से विकसित अमेरिकी विमान की तकनीकी जानकारी चोरी करके चीन के द्वारा उनके इस्तेमाल किए जाने के आरोप में दम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अभी हाल ही में करीबन 5,500 करोड़ रुपए के हथियार ताइवान को बेचने की अनुमति दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। अमेरिका ने ये जो डील की है वो चाइना के साथ जारी तनाव के बीच की है, जिसके कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये बात साफ है कि चाइना जैसा देश अपनी टेक्नोलॉजी को कभी खुद से नहीं डेवलप कर सकता, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेता है। और रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि उसने उससे पहले रशिया के कई फाइटर जेट्स की कॉपी करके अपने एयरफोर्स में उन्हें शामिल किया है, इसलिए रशिया अब उसके कोई फाइटर जेट नहीं देता है। लेकिन बात तो उसकी SU-57 की भी चल रही है रशिया के साथ, लेकिन रशिया को मालूम है कि अगर हमने इसको अपना फाइटर जेट बेच दिया जो कि पांचवी पीढ़ी का है तो संभवतः उसकी कॉपी भी आराम से चाइना कर सकता है, जिस तरीके से उसने S-400 की भी कॉपी कर करके पाकिस्तान जैसे देशों को उसने बेचा है। तो चाइनीज़ का दिमाग केवल चोरी के लिए चलता है, उनका खुद का अपना कोई दिमाग नहीं होता है और इसीलिए वो ये हरकतें करता है। और ये बहस एक बार फिर छिड़ी है, जिसका मतलब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से कॉपी किया गया, डिज़ाइन भी एक जैसा है, हर तरीके से उसने इंटरनल वेपन वे भी उसका वैसे ही बना रखा है जैसे F-35 लाइटनिंग 2 का है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चाइनीज़ कितने गिर सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का जो F-35 है वो बैटल प्रूवन फाइटर जेट है, लेकिन J-20 अभी तक किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में केवल चाइना नकल करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी पांचवी पीढ़ी के विमान को बना सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।